स्ट्रेस स्ट्रेस में शुरू करा हमने। मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा, आइडियाज़ मेरे थे, रेसिपीज़ मेरे थे, इन्होंने पूरी पूरी सपोर्ट करी और आगरा के लोग भी बहुत सपोर्टिव रहे, तो ऐसे चलते चलते आ गए यहाँ तक। इस वक्त मैं आगरा के हरिपर्वत चौराहे के एमडी जैन चौराहे पर मौजूद हूँ और आगरा में खाने के मामले बहुत रिच है, स्ट्रीट फूड आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। और इसी दौरान हम आप जो हमारी नज़र है वो पड़ी थी स्ट्रेस मोमोज पर, जैसा कि नाम इतना यूनिक है और इतना ही यूनिक इनका स्टार्टअप है। हमारे साथ दो खूबसूरत कपल हैं जिन्होंने ये स्टार्टअप शुरू किया है। कैसे ये शुरू हुआ, क्या पूरी कहानी है, जैकब सर से शुरू करते हैं। पहले तो ये बताइए कि स्ट्रेस मोमोज एकदम नाम बड़ा यूनिक है, तो कहाँ से ये दिमाग में आया कि साहब नाम रखेंगे? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मोमोज का स्टार्टअप हम लोग डालने वाले हैं, बट जब चीज़ें फॉल आउट नहीं कर रही थी प्लेसेस पे, हमने कहा कुछ ना हो पाएगा तो हम लोग एक मोमोज या एक स्टॉल तो लगा ही सकते हैं, अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, एक छोटा सा स्टार्टअप कर सकते हैं। नाम सोचने की बारी आई तो इतना सबके तरफ से सजेशंस जब आने लगे तो इतनी ज़्यादा हेक्टिक चीज़ें क्रिएट हो गई थी, सब लोग ये नाम को ये वो नाम को ये नाम, तो इतना स्ट्रेस हो गया था, तो हमने स्ट्रेस मोमोज ही नाम खोजते खोजते स्ट्रेस में चले गए जी बहुत ज़्यादा। कैसे फिर शुरुआत हुई, कैसे नाम सूझा? स्ट्रेस में शुरू करा हमने, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट करा, आइडियाज़ मेरे थे, रेसिपीज़ मेरे थे, इन्होंने पूरी पूरी सपोर्ट करी और आगरा के लोग भी बहुत सपोर्टिव रहे, तो ऐसे चलते चलते आ गए यहाँ तक। एक साल हो गया आपके स्टार्टअप? जी एक साल हो गया, 17 अप्रैल को एक साल हो गया, हमने सेलिब्रेट भी करा था थोड़ा बहुत टीम के साथ, तो एक साल। आप लोग बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में खास तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि खूबसूरत जोड़ी सड़क पर खड़े होके स्ट्रेस मोमोज दे रही है और वो भी बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं है, तो इसको लेकर बताइए। स्ट्रेस में तो बहुत ज़्यादा है, खूबसूरत जोड़ी तो है लेकिन हमें देखने से ज़्यादा प्लीज हमारे टेस्ट को टेस्ट करने आइए, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं। बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि आप लोग खड़े हो जाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नो डाउट ज़्यादा अच्छा लगेगा, सर्विस इम्प्रूव होगी, बट फिर हम टेस्ट नहीं दे पाएंगे। टेस्ट ऑफ सिक्किम जो हमने लगा रखा है वो हम नहीं दे पाएंगे, जितना टीम बढ़ता जाता है उतना उनको भी ट्रेन करना पड़ता है, ये नहीं अकेले में बनाऊंगी, कितने लोगों के लिए बना पाऊंगी। जी बताइए, आप बताइए सर, जेकब सर एक तो आईटी का काम करते हैं आप, जैसा मुझे भी आपने बताया कि आईटी में जॉब भी करते हो और उसके साथ अपने स्टार्टअप को भी समय देते हैं, तो ये एक सब कैसे मैनेज करना पड़ता है? जब बीइंग अ मैन आपको मैनेज करना पड़ता है वो सारी चीज़ें, वो मिडनाइट शिफ्ट रहती है तो उसमें शाम को पूरा देख भी रहा है, 42 पर टेम्परेचर डिग्री है और वो दिख रहा है पसीना डिफ्रॉस्ट होते रहते हैं बीच बीच में, तो काम तो ज़्यादा रहता है बट एट द एंड हम लोग अपने लिए कर रहे हैं, तो सक्सेस हमें अचीव होगी, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हम आगे बढ़ेंगे वो आगे बढ़ेंगे, तो इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेस एंड सर्वाइव। खूबसूरत जोड़ी की मुलाकात कैसे हुई, कैसे आप लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर में बदल गया? हमारी मुलाकात तो लड़ाइयों से हुई थी, लेकिन हमें नहीं पता था दैट ही इज सो गुड हार्टेड एंड ही डिड नॉट नो दैट आई एम सो गुड हार्टेड, कि हमने जब बाइबल को लेकर बातें करी तो हमारी फेथ मैच करी, चर्च आने लगे, ऐसे मतलब लगा कि चलो साथ में प्रे कर सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोग क्या करते हैं कि घूमना फिरना काम करना सब कुछ कर लेते हैं, बट यू नो उनके पास 5 मिनट का साथ में बैठ के प्रेयर करने का टाइम नहीं होता है, तो हमारे पास वो बहुत अच्छे से निकल रहा है, इसे मैचिंग। हाँ, तो वहीं से मैचिंग हो गया, हमने सोचा इससे ज्यादा और क्या चाहिए घर चलाने को, तो चलो शादी करते हैं। तो फिर स्ट्रेस मोमोज कैसे मतलब पार्टनर कैसे बने बिजनेस? वो शादी हो जाती है तो बहुत सारे खर्चे की टेंशन आ जाती है, मेरे लिए तो नई सिटी थी तो मेरे लिए जॉब करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा था, कि लोकेशन बहुत दूर हो रहा था, इनकी जॉब लगना था तो पिकअप ड्रॉप ये नहीं देंगे फिर कौन देंगे, ये पूरी रात काम करेंगे सुबह कैसे काम करेंगे, तो इस चक्कर में मैंने सोचा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, छोटे से आगे बढ़ने वाले लोग कहीं से भी आगे बढ़ जाते हैं, तो मुझे वैसा लगा, तो वैसे हमने एक छोटी सी टेबल से स्टार्ट करी, मोमोज लगाया, इतने बड़े स्टार्टअप पे बेचे, लोगों को पसंद आई वो बात हमें पसंद आई, हमने और मेहनत करी, अभी ये हमारे टीम है इनके साथ हम मिलके काम करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, हम खुद भी साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, किचन में कैसे हाथ बटाते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं आप, एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे रहे हैं, अब खुद जॉब कर रहे हैं और दूसरों को रोजगार दे। हमारे पास एटलीस्ट 9 से 10 स्टाफ हो गए हैं एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट हम उनके बिना कुछ नहीं है अभी इस स्टेज पे,
क्योंकि हम जो किचन में हेल्प आउट करते थे, बनाते थे, उससे हम इतना ज़्यादा मेजर प्रोडक्शन नहीं दे सकते थे, बट अभी इनकी मदद से और हमारे काम से सब लोग अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग कितना कमाई कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बस यही पूछते हैं कि भाई अगर अगली बार जाएं तो स्टार्टअप करने वालों से कमाई ज़रूर पूछिए ताकि हम भी स्टार्ट कर सकें। नहीं, सब बात कमाई की तो करते हैं बट खर्चे की कोई बात नहीं करता है, तो इट्स अ गुड अमाउंट, चीज़ें सही हो जाती हैं। इतना है कि सबकी, अब नौ स्टाफ है तो नौ स्टाफ का आप मान के चलिए कि 1,20,000 तो सैलरी है, सैलरी इतनी देनी पड़ती है, ऊपर से फिर जो डेली रिटेलर्स हैं हमारे जिनसे सारा सामान आता है उनका अलग रहता है, तो सब कुछ निकलने के बाद इट्स अ गुड अमाउंट टू कैरी। एक साल का कितना सफ़र, कितना कठिन था, कितना आसान था, क्या फेसेस करने पड़े आपको चैलेंज? खैर अभी भी कर रहे हैं, एक ही साल हुआ है बिजनेस, तो इंसान 10 बार फेल खा के आगे बढ़ते हैं, 10 साल लगते हैं, 12 साल लगते हैं, ऊपर वाले की ब्लेसिंग है कि हम 1 साल तक स्टैंड कर पाए, आगे भी बढ़ेंगे, अभी भी मेहनत ही कर रहे हैं, अभी अभी नहीं बंद करना मेहनत करना। चलिए देखिए, ये बहुत खूबसूरत जोड़ी आगरा में जो स्ट्रेस मोमोज के उन्होंने स्टार्टअप शुरू किया, और ये स्टार्टअप आगरा हरी पर्वत चौराहे थे। जैसे ही आप MD जैन इंटर कॉलेज की तरफ आप बढ़ेंगे, वहीं हिंदुस्तान में जो पेट्रोलियम पंप है उसके ठीक सामने इनका स्टार्टअप है, और ये तमाम ये लोग देखिए, ये लोग, ये इनके दीवानगी है जो इनका लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हैं। स्ट्रेस मोमोज हैं और बहुत अच्छा इनका नाम है, सोशल मीडिया पर भी ये लोग छाए रहते हैं और जॉब के साथ साथ अब लोगों को रोज़गार भी मुहैया करा रहे हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।